हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था विकास की अपेक्षा में बहुत घटिया नहीं है। सरकारी विद्यालयों की हालत अत्यंत दयनीय बन चुकी है। प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों का फीस अधिक होने के वजह से गरीब वहां पढ़ा नहीं सकते, जबकि प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षक सभी ट्रेनिंग शुदा भी नहीं है और पढ़ाई बेहतर होती है, जबकि सरकारी विद्यालयों में सभी ट्रेंड होते हैं और कंपटीशन के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। उसके बाद वहां बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, जबकि वहां खाना, वजीफा और ड्रेस भी मिलता है। प्राइवेट विद्यालयों में कुछ नहीं मिलता, तो बात आती है वहां बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते। एक, सरकारी विद्यालयों में जब ड्रेस ट्रेंड शिक्षक हैं तो वहां बच्चे जाने से क्यों कतरा रहे हैं। यह सरकार एवं समाज तथा नेता वर्ग को सोचना चाहिए, या यूं कह लें कि इस कारण पर रिसर्च कराना चाहिए। आप सभी नव युवक अपना अपना विचार रखें। दूसरा, जब प्राइवेट विद्यालयों में बच्चे क्यों जाना चाहते हैं जबकि वहां सभी टीचर ट्रेंड नहीं होते। इसे समाज को भली प्रकार से सोचना चाहिए कि हमने क्या पाया और क्या अब तक खोया। तीसरा, क्या वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, राजनेताओं के आपसी मेल और जनता के ऊपर क्रूर नीति, उससे क्या गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर उच्च अधिकारी बन पाएगा। आप सभी नागरिक, खासकर गरीब बेरोजगार नौजवान, अपना सोच जाहिर करके क्या क्या सत्य है और क्या असत्य है, सत्य में जयते हैं।